नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार और मैं शुक्र सेन, कैमरा पर्सन रोशन झा के साथ। और अभी हम पहुंचे हुए हैं सवलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में, और ये गांव पड़ता है पासो। और यहां वार्ड सदस्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? सुमा देवी। सुमा देवी, आपका पता है वार्ड नंबर कितना पड़ता है? 13 नंबर। पंचायत सवलपुर। सवलपुर। और आपका ये ब्लॉक कहाँ पड़ता है? बराहट। चूँकि ज़्यादातर महिलाओं का कार्यकाल पुरुष ही संभालते आए हैं, या तो पति या उनके बेटे, तो यहाँ पे जो कार्यकाल संभाले गए हैं उनके बेटे द्वारा संभाले गए हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार राव। संतोष कुमार राव। सर, क्या स्थिति है विकास यहाँ की? विकास की स्थिति तो हम लोग को सात निश्चय योजना के तहत हम लोग को गली नली मिला था, और प्लस नल जल का योजना हम लोग चलाए, तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। जो भी सरकार हम लोग को दिया, हम उसको सही ढंग से चला रहे हैं। तो सर, नल जल योजना का जो है, सात निश्चय योजना के अंतर्गत जो नल जल योजना आपको मिला था, तो ये कब का था? इनकी राशि क्या था? इनका राशि 13 लाख कुछ था, तो हम लोग को राशि कुछ भी रहने से वो कुछ नहीं, हम जितना सा काम करते हैं सरकार उतने सा पैसा देता है। हाँ, तो सर, आपके यहाँ जो नल जल का काम किए हैं आपने, वो कितना परसेंट तक सक्सेस है? यहाँ तो 100% सक्सेस है। और आपके यहाँ की शौचालय की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे? देखिए, शौचालय की स्थिति के बारे में तो हम लोग को शौचालय के तहत हम लोग को कुछ मिला नहीं है काम करने को, ना शौचालय का काम करवा सकते हैं। लेकिन हम लोग की तरफ से प्रेशर था जनता को कि शौचालय बनाना है और स्वच्छ बनना है, तो 60% शौचालय बना है और अभी बाकी है। और सर, आवास की स्थिति देखें तो क्या है यहाँ? आवास की स्थिति ये 5 साल के दरमियान में काफ़ी आवास मिला है, और ये 5 साल के दरमियान में 20-25 लगभग आवास मिला है 13 नंबर वार्ड में, और कुछ लोग अभी छूटे हुए हैं। तो सर, यहाँ की शिक्षा की स्थिति जो है क्या है? शिक्षा की स्थिति तो मेरे गाँव में प्राइमरी स्कूल चलता है, प्लस आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहा है, बस यही है। और बगल में मेरे 12 नंबर वार्ड में पहले मध्य विद्यालय था, अब उच्च विद्यालय हैं। अभी तो कहीं पढ़ाई के मामले में तो हम लोग को सुविधा है। और सर, अगर यदि बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पूछना चाहेंगे? तो स्वास्थ्य केंद्र हम लोग को है नहीं, और यहाँ अगर किसी को अगर कुछ हो जाता है, कोई लोग अगर बीमार पड़ जाता है, तो हम लोग को सीधा बराहट जाना पड़ता है। बराहट यहाँ से दूर है। कितनी दूरी पे हो? यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूरी पे। लंबी दूरी पड़ जाती है, और अचानक से अगर किसी को कुछ हो जाए तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में सर, कहाँ तक प्रयास किया यहाँ प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र लाने? स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम लोग मंत्री जी को भी आवेदन दिए थे, पहले डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी थे, उनके पास भी दिए थे, तो नहीं कुछ हुआ। और उनके बाद उनके कार्यकाल ख़त्म हो गए, उनके पास अपना जो विधायक जी हैं रामनारायण मंडल जी, उनको भी बोले गए हैं। अब देखिए कहाँ तक क्या होता है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो सर रखे हैं कि हम लोग अगर दिए हैं तो कुछ होगा, अब होना या ना होना तो ये तो हम लोग के हाथ में नहीं है। आपकी इसका सर, आपका छाप कौन सा मिला? मेरा घड़ा छाप मिला है। घड़ा छाप मिला है। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। धन्यवाद सर। यहाँ कुछ जनता भी, आपका नाम वीरेंद्र राणा। तो क्या स्थिति है आपके यहाँ की विकास? यहाँ की शिक्षा का शौचालय मिला है आपको? नहीं, शौचालय तो नहीं मिला। आप वोटिंग करते हैं? किन मुद्दों को लेके वोट कीजिएगा? नहीं। आपका नाम? प्रफुल्ल कुमार। प्रफुल्ल कुमार जी, आप हमें बताएंगे, आप वोटर हैं? हाँ जी। तो किन मुद्दों को लेकर के वोट कीजिएगा?
क्या स्थिति आपके यहाँ की विकास? स्थिति तो अभी ठीक है। ठीक है कि कैसा कार्यकाल रहा है इनका वो वार्ड सदस्य सुमा देवी का? ठीक है ठीक है, फिर सुनना चाहेंगे जी। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।